Hello student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 2.2 question number E. तो हमारा जो question number E था वो start करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो कल की वीडियो थी ना बेटा, उसमें थोड़ा सा ही काम करवाया था, मुझे थोड़ा अर्जेंट वर्क आ गया था, मैंने बहुत ही मतलब कम काम करवाया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी. हाँ, तो आज हम कल वाली वीडियो का भी काम आज ही करेंगे, है ना. देन क्वेश्चन नंबर ये स्टार्ट करते हैं और आपकी जो यूटी है चैप्टर वन की, उसकी प्रिपरेशन करते हुए, ठीक है, तो उसको तैयार करना है. तो देन क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है फर्स्ट, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 71 एंड 91. देखो बेटा, मैंने कल दो ही नंबर बताए थे, एक तो होल नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर. तो मैंने एक बात बताया था, दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है दोनों में. होल नंबर में बेटा जीरो चलता है, उसके बाद काउंटिंग होती है आपकी, जो भी काउंटिंग, इसकी कोई लिमिट नहीं होती. लेकिन नेचुरल नंबर हुआ ना, वो वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, बस यहां से इसका अलग पैटर्न है, बाकी दोनों सेम है. होल नंबर में आपकी जीरो आती है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आती. तो इसके कहने का मतलब है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 71 एंड 91. 71 और 91 के बीच में कितने होल नंबर आते हैं, तो एक बार आप देखें, चेक करके देखना. 71 से लेके 91 तक के बीच की जो काउंटिंग है, वो सभी होल नंबर है, तो उसकी संख्या लिखनी है कितनी आती है. तो चलो आंसर लिखो, 90 नंबर्स. टोटल काउंटिंग कितनी चलेगी, कितने नंबर आएंगे, 19 नंबर्स. सेकंड है, और ऑल नेचुरल नंबर आर All natural number also whole number चलो इसका ही आंसर लिख देते हैं. ये कहता है और आर ऑल नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो नेचुरल नंबर होते क्या है बेटा, वन से लेके काउंटिंग तक, लेकिन होल नंबर हो सकते हैं, तो इसको हम होल नंबर बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो इनको हम होल नंबर है हमारे ये. इसके कहने का मतलब होता है कि जो जितने भी आपके नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर. तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हुई ना काउंटिंग, क्या ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ है ना, होल नंबर भी तो वही होते हैं, जीरो ही तो ऐड हुई है उसमें, तो ये तो है. चलो तो इसी का सेकंड पार्ट है, आर ऑल होल नंबर आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर. अब यहां सोचने वाली बात होगी, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नेचुरल नंबर तो क्या है, नेचुरल नंबर तो ये है, और होल नंबर क्या होते हैं, क्या ये सभी ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो जीरो है, लेकिन इसमें तो कहीं जीरो है ही नहीं, जब उसमें जीरो नहीं है तो ये होल नंबर नेचुरल नंबर हुए कैसे. सभी इसने कहा है सभी होल नंबर, सभी में तो बेटा जीरो भी आती है, जब सभी में जीरो आती है तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में जीरो आती है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आती, तो सभी नेचुरल सभी होल नंबर, देखो सभी होल नंबर तो जीरो वन टू एंड इन्फिनिटी. अब यहाँ पे क्या जीरो है नेचुरल में,
नेचुरल नंबर में जीरो है? नहीं है। तो जब फर्स्ट डिजिट ही इसमें नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी होल नंबर जीरो नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते, सभी होल नंबर जीरो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। थर्ड, राइट द नेक्स्ट थ्री, राइट द नेक्स्ट थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। जहां नेचुरल की बात आ जाए वहां पे काउंटिंग में सीधे नंबर होते हैं। किस किस के पूछा है इसने? तो फर्स्ट पे तो पूछा है इसने 43 का, तो 43 के नेक्स्ट थ्री नंबर। बेटा नेचुरल में आता ही क्या है, सीधे कंटिन्यू में चलते रहो, बीच में रुको मत कहीं पे भी। तो उसने 43 से तीन अगले नंबर पूछे हैं। नेचुरल नंबर में, होल नंबर में हमने क्या पढ़ा है कि इसमें किस कहीं भी किसी भी नंबर में गैप मत दो। तो आज इसने नेचुरल नंबर की बात करी है तो 43 से कंटिन्यू में तीन स्टेप आगे बढ़ जाइए। तो 43 के बाद क्या आता है? 44, 45, 46, राइट। इसका सेकंड पार्ट 881, 881। अब 881 के बाद क्या आता है? 882, 883 एंड 884, ठीक है। नाउ थर्ड आता है इसका, ये मैंने डॉट बना दिया ना, ये थोड़ा डार्क सा कर दिया, ये आपके क्वेश्चंस हैं। 1056, तो 1057, 1058 एंड 1059। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, राइट डाउन द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 109999। ये कहता है कि राइट डाउन द नेक्स्ट, मतलब अगले, ठीक है, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 1,10,100,000,10,00,000, यानी कि 10,00,000, 10,00,000, 9,999 के आगे के तीन नंबर बताइए। नेचुरल नंबर मतलब कंटिन्यू के तीन नंबर बताने, तो क्या आएंगे आंसर में? ठीक है, 10,09,999। तो देखो 11,00,000 बन गए ना, 11,00,000 बन गए ना, भाई 10,00,000 था, 10,00,000 में कहीं पे भी गुंजाइश ही नहीं है, एक नंबर की गुंजाइश है। तो एक नंबर जैसे ही ऐड करेंगे वो 11,00,000 बन जाएगा, 11,00,000, ठीक है। तो 11,00,001, 11,00,002, ठीक है, तीन नंबर ही पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द थ्री होल नंबर जस्ट प्रीसीडिंग नाइन फोर जीरो वन ट्रिपल जीरो वन।
बेटा ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस नंबर में माइनस एक कर दो, जो भी नंबर आए उसमें से फिर माइनस कर दो, जो भी आए उसमें से फिर माइनस कर दो, ठीक है। मतलब जो नंबर प्रेजेंट में है उसके पिछले तीन नंबर बताने हैं आपको, तो जो नंबर प्रेजेंट गिवन है आपके पास उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ही वन सब्ट्रैक्ट किया आपने आपका आंसर आ जाएगा। वन में से वन गया जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन फोर वन वन सॉरी वन फोर नाइन, ठीक है। तो एक नंबर तो ये आ गया नाइन फोर वन जीरो 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 जीरो। अब इस नंबर में फिर वन एड ना माइनस कर दो, जो आंसर आए उसमें से फिर माइनस कर दो, तीन ही निकालने हमें। और यहाँ पे होल नंबर की बात कर दी, होल और नेचुरल नंबर में किसी भी नंबर के बीच में स्पेस नहीं दी जाती, कंटिन्यू के नंबर लिए जाते हैं। एच डब्ल्यू है डू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर ई ऑल पार्ट्स इन फेयर नोटबुक एंड रिवीजन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर ई है, उसके सभी पार्ट मैंने ब्लैक बोर्ड पे राइट डाउन किए हैं, वो आपको करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कम्प्लीटली रिवीजन करनी है। और बेटा प्लीज बुक ले लीजिएगा, विदाउट बुक वर्क नहीं होगा आगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आएंगे उनको ब्लैक बोर्ड पे कैसे राइट डाउन करेंगे। तो प्लीज बेटा बाय रिक्वेस्ट, बाय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। एंड अपनी यूटी की तैयारी करते रहिएगा और अपनी पढ़ाई करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। मैं किसी भी बच्चे के घर पे विजिट कर सकती हूँ नोटबुक चेक के लिए, तो नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। डेली का काम डेली करना है, अगर कोई काम नहीं कर पाए तो एक दिन डिले कर दा, लेकिन दो दिन डिले नहीं होना चाहिए काम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।